दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड के नंबर पर कोई भी अननोन पर्सन बार बार कॉल कर परेशान कर रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड एक नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दे रही है तो वह दूसरे नंबर से कॉल कर के परेशान कर रहा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जितने नंबर ब्लॉक किया जा रहा है उसके बाद भी वह व्यक्ति अलग अलग नंबरों से कॉल कर के परेशान कर रहा है और आप बहुत ही परेशान हो चुके हो, तो आप इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाएंगे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई लड़का हो या आप कोई लड़की हो और कोई अनोन पर्सन आपको बार बार कॉल कर परेशान कर रहा है और आप उसके नंबर को ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं, फिर भी वह दूसरे नंबर से कॉल करके परेशान कर रहा है, तो इससे छुटकारा हम कैसे पाएंगे वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सिर्फ एक सेटिंग करना है और किसी का भी कॉल आपके नंबर पर नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, वह कौन सी सेटिंग है, किस तरीके से करनी है, इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी, इसलिए वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई बार बार कॉल कर परेशान कर रहा है और आप उसके नंबर को ब्लैकलिस्ट कर रहे हो, तो दोस्तों आपको उसके नंबर को ब्लैकलिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यह छोटी सी ट्रिक अपने फ़ोन में लगाना है, वह चाहे कितने भी नंबर से आपको कॉल करे उसका कॉल आपके पास नहीं आने वाला है। तो करना क्या है, आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन का क्या नाम है, कहां से इंस्टॉल करना है, सब कुछ बता दूंगा। जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको कॉल ब्लैकलिस्ट नाम का एप्लीकेशन है, इसके बटन पर आपको टैप करना है। यहां पर सेट अस डिफॉल्ट के ऊपर में क्लिक करना है। इसके बाद में यहां पर मैसेज भी, अगर आप चाहते हो कि अननोन पर्सन का मैसेज भी अगर कोई कर रहा है, मैसेज को भी अगर उसका ब्लॉक कर देना, तो आप इस ब्लॉक वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर से इसी एप्लीकेशन के इसके ऊपर में क्लिक कर देना है और यहां सेट अस डिफॉल्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक कर यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा, सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर ब्लॉकिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस ब्लॉकिंग के ऊपर में क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आपको कॉल कर परेशान कर रहा है और वह नंबर अननोन नंबर है, तो यहाँ पर आपको जो अननोन नंबर के आगे यह जो बॉक्स है, इस बॉक्स पर सिर्फ टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा कि अगर कोई भी आपको अननोन नंबर से कॉल करेगा तो उसका कॉल आपके नंबर पर नहीं लगेगा, उसके नंबर को आपको ब्लैकलिस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको कोई भी सबसे ज़्यादा परेशान करे तो इस एप्लीकेशन में आकर आप इस अननोन नंबर वाले बॉक्स पर टिक कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी अननोन पर्सन आपके नंबर पर कॉल नहीं कर पाएगा। कॉल उसी का आएगा आपके नंबर पर जिसका नंबर आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट में सेव है। अब आपके मन में एक और सवाल चलता होगा कि अगर मान लो हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं तो मान लीजिए उसका तो फ़ोन आएगा ही नहीं जो हमें परेशान कर रहा है, पर उसका भी कॉल नहीं आएगा। मान लीजिए कोई हमें नए नंबर से कॉन्टैक्ट करना चाहे तो उसका भी कॉल नहीं आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर यहाँ पे टिक कर देते हैं तो आप किसी भी अननोन नंबर का कॉल नहीं आएगा, चाहे वह आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे या कोई आपको परेशान कर रहा है, दोनों का कॉल नहीं आएगा। तो इस ट्रिक को आप उस समय लगाएं जब कोई आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस समय आप इस अननोन नंबर के आगे टिक कर दें और कुछ समय हो जाए, कुछ देर हो जाए तो आप इसको यहाँ पर आके अनटिक कर दे, जिससे आपके और भी लोग अगर अननोन नंबर से कॉल करें तो आपकी कॉल उस तक पहुंच जाए। और यह टिक उसी समय लगाएं जब आपको कोई हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर टिक करना है। तो मैंने दोनों बात आपको इस वीडियो में बता दिया कि किस समय हमें यहाँ पर टिक करना है और
किस समय नहीं करना है, क्योंकि आप एक ही नंबर को बार बार ब्लैकलिस्ट करेंगे और दूसरे नंबर से करेगा उसको भी ब्लैकलिस्ट करेंगे। आपको नंबर ब्लैकलिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टिक कर दीजिए। कुछ देर के बाद आप यहाँ पर अनटिक कर दीजिए, फिर अगर कॉल करके परेशान करेगा तो टिक कर दीजिए, उसका कॉल लगेगा ही नहीं, नॉट रीचेबल बताने लगेगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे। अब रह गई बात इस एप्लीकेशन का, तो इस एप्लीकेशन का नाम है कॉल्स ब्लैक लिस्ट। प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर यह ट्रिक अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो। तो वीडियो में यही बता रहा था। वीडियो हेल्पफुल लगी तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।